पंतप्रधान मोदींच्या मूळ गावी अर्थात वडनगर मध्ये 2800 वर्ष जुन्या मानवी संस्कृतीच्या अस्तित्वाचे पुरावे सापडलेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी खडगपूर आणि पुरातत्व विभागाच्या संयुक्त अभ्यासात वडनगर मधील 2800 वर्ष जुन्या मानवी वस्तीचे पुरावे मिळालेत. इथे उत्खननादरम्यान काही विशेष कलाकृती, मातीची भांडी आणि इतर वस्तू सापडल्यात. पुरातत्व विभागाचं म्हणणं आहे की 3000 वर्षांपूर्वी मध्य आशियातल्या आक्रमणकर्त्यांनी भारतावर वारंवार हल्ले केले होते. त्याच दरम्यान हवामानातल्या बदलांमुळे, पाऊस, पूर आणि दुष्काळासारख्या घटनांमुळे विविध साम्राज्यांचा उदय झाला आणि पतनही झालं. हडप्पा संस्कृतीच्या ऱ्हासानंतर वडनगरमध्ये सांस्कृतिक वसाहत झाल्याचा पुरावा सुद्धा त्यांच्या अभ्यासात सापडलाय. बात करें अवशेष की तो यहाँ से बहुत सारे जो अलग अलग काल के लोग थे उनके खान पान से लेके उनके रहन सहन, उनके घरों की प्लानिंग, उनके बर्तन, उनके सेप, उनके ब्रिक साइज, अलग अलग काल में जो जो भी लोगों का जो भी था वो यहाँ पे सब कुछ अवशेष मिले. सिक्के भी अलग अलग टाइम के, कम से कम 5-6 हजार कॉइन्स मिले. अलग 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 जो सीलिंग, जो अलग अलग जो बोलते हैं मोल्ड, अलग अलग राजाओं की राज मुद्राएं भी मिली. उसका वयस अनुमानिक 2800 बरस पुराना है. हम लोग आर्कियोलॉजी में उसको बिफोर क्रिश्चियन एरा बोलते हैं, तो इट वाज समथिंग लाइक अबाउट 800 BCE एट वडनगर. बट सम ऑफ आवर रीसेंट रेडियोकार्बन डेटिंग जो वयस जो वो कल्चरल लेवल का एज बताते हैं वो इंडिकेट करता है दैट भटनगर मे बी समथिंग लाइक 1400 BC 1500 BC पुराना, मतलब वो 3500 बरस पुराना हो सकता है. गेल्या 5 वर्षांपासून पुरातत्व विभाग इथे 29 ठिकाणी उत्खनन करत होतं. इथे एक जुना बौद्ध मठ सुद्धा सापडलाय. सोबतच 1 लाखापेक्षा जास्त जीवाश्म सापडलेत. नॉर्थ ईस्ट नहीं, ईस्ट से वेस्ट वडनगर 1 किलोमीटर अंदर एरिया, और नॉर्थ साउथ 700 से 800 मीटर. आज भी वडनगर 3 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज्यादा अवशेष मिलते हैं. सबसे ज्यादा जो हाइट है वडनगर टाउन की, लेकिन आजू बाजू वडनगर 3 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज्यादा अवशेष मिलते हैं. उसमें ये बुद्ध के अवशेष बहुत सारे मिले. यहाँ एक हमारे एक साइट है घासकोल मोनेस्ट्री, बुद्ध मोनेस्ट्री, और एक बुद्ध के बुद्धकालीन भी अवशेष मिले. उसकी भी डेटिंग की जाए तो 2nd से 7th century AD वो भी मिला हो, और तारंगा में भी मिला हुआ है, और साम्राजी तो एक टाइम के 2nd से 7th century AD में हम बात करें तो एक टाइम के एक समय में वडनगर बुद्धिज्म का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था. ये जो पीरियड है दैट 3500 to 2500, ये जो 1000 बरस का जो टाइम है, इस टाइम में क्या हो रहा था आदमी को सिंधु सभ्यता खत्म होने के बाद, ये हम लोगों का ज्यादा कुछ जानकारी नहीं था. वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस जो है वो लोग हमेशा बताते थे ये एक डार्क एज है, जिसको हिंदी में आप अंधकार युग बोलते हैं. उसका मतलब इसके बारे में कुछ जाना नहीं जाता था. तो भटनगर का जो खनन हुआ है उससे हम लोगों का पता चलता है दैट सही में एक्चुअली ये डार्क एज एक मिथक जैसा लगता है, एक मीथ जैसा लगता है. लगता है ह्यूमन सेटलमेंट वॉज रियली देयर. There was a continuity. It was only the thing that people have resettled after the decline of the Indus Valley civilization. Sindhu Ghati Sobhota khatam hone ke baad dusra jayga ja ke bane. सखोल अभ्यासातून असं दिसून आलंय की वडनगर ही बहुसांस्कृतिक आणि बहुधार्मिक वस्ती होती. मौर्य, इंडो ग्रीक, हिंदू सोळंकी, मुघल साम्राज्य ते गायकवाड आणि ब्रिटिश राजवट अशा 7 सांस्कृतिक वारसांचं अस्तित्व इथे होतं असे पुरावे आढळलेत.